जय छात्र सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आपके साथ मिलकर जीएस जी के विविध की उन महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक की सीरीज को लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी और काफी अहम है। आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहिएगा, क्योंकि सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ये वो टॉपिक है जो पढ़ने के बाद आप परीक्षा में बेहतर और बड़ा स्कोर कर पाएंगे। एक एक करके मैं प्रश्नों की तरफ चलेंगे, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न आता है और प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर तैयार किया गया इस साल के महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक की एक मॉडल पेपर की सीरीज है। अगर हम बात करें कि भारत में किसे आमदनी पर, अगर बात किया जाए कि किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पता भी होना चाहिए। तो सभी लोग फटाफट बताइए, आमदनी पर कर की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर सर चार्ल्स वुड, विलियम जोन्स, जेम्स विल्सन, लॉर्ड माइकल। यहाँ पर होगा जेम्स विल्सन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सेबी अधिनियम पारित हुआ था। ये काफी अहम प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। हम चाहेंगे जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब भी जरूर देते रहेंगे। सेबी अधिनियम 1990, 1991, 1992, 1993 बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे सेबी से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी सबसे पहला काम ये करें कि सेबी का फुल फॉर्म आप हमें बताएं। वैसे इस प्रश्न का उत्तर होगा 1992। अगर 1992 आपने इस प्रश्न का उत्तर जवाब दिया है, इसका मतलब आपके जवाब सही है। जी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। हम बढ़ रहे इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है। अगला है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1874, 1875, 1876। सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। यहाँ पर इस प्रश्न के अगर उत्तरों की बात किया जाए तो यहाँ पे 1992 सी, यहाँ जेम्स विल्सन सी। तो सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम चाहेंगे आप सभी लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की बात करें तो 1875 में। मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा भी? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? रुद्रदत्त, चरण सिंह, बी एस मिन्हास, डी आर गाडगिल। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट करके जवाब देंगे, और जो भी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं उसके भी फटाफट उत्तर भी देते चलिए। प्रश्न नंबर 64 जवाब सभी लोग दीजिएगा, यहाँ पर होगा बी एस मिन्हास। मतलब सवाल का सही उत्तर होगा सी। अगला है, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी फसल बीमा फर्म आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी गठन हेतु अनुमति किसने प्राप्त किससे प्राप्त की? वित्त मंत्रालय, आरबीआई से, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, या केंद्र सरकार? तो सभी साथी इस प्रश्न के जवाब जरूर देंगे, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव सेशन में पढ़ रहे हैं। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रश्न है और यहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल आते हैं। और हम चाहेंगे जिन जिन टॉपिकों से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं उन सभी टॉपिक, उन सभी तथ्यों को एक एक करके क्रमवार रूप से आप सब पढ़ लीजिए। जी, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर होगा बीमा नियामक प्राधिकरण, अर्थात सवाल का उत्तर जो होगा वो है आपका सी। हम बढ़ते फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। मार्च 2020 के अंत तक भारत का कुल विदेशी ऋण जीडीपी का लगभग कितना परसेंट था? देखिए ये करंट का सवाल है, इस पर ये 20% था। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं परीक्षा की बात करूँ, ये इकोनॉमिक्स के सवाल है और बहुत ही ज़्यादा आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है। सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो परीक्षा में बहुत आए पूछे जाते हैं, और हम चाहेंगे इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ें और इसके अंत तक बने रहें, ठीक है? ताकि यहाँ से जब भी सवाल आए आप झोला भर भर कर, मैं वीडियो को शेयर कर ले रहा हूँ, आप भी शेयर कर दें। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशहित में है, राष्ट्रहित में है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, अगर आप नहीं शेयर कर रहे, हम शेयर कर रहे हैं और आप क्लास को भी कंटिन्यू रख रहे हैं, एक साथ दो दो काम कर लिया जाए। चलिए इसी के सेशन में हम लोग और आगे देखेंगे। तो यहाँ पर अगर प्लास्टिक मनी की बात की जाए, शेयर गलत होगा, कागजी मुद्रा होगा, मतलब शेयर कागजी मुद्रा दो विकल्प हो ही नहीं सकता। अगला है डिस्काउंट कूपन, फिर अगला बचता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है तो आपका उत्तर पूरी तरह से क्या है, सही है, कि जो क्रेडिट कार्ड होता है उसे हम प्लास्टिक मनी की श्रेणी में रखते हैं।
अब हम बढ़े इसके साथ अगले सवाल की तरफ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। अगला आपके सामने, भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? अगर भारत में बात किया जाए कि राजकोषीय नीति का जो निर्धारण है वो कौन करता है, आरबीआई करती है, वित्त मंत्रालय करता है, वित्त आयोग करता है, या वित्तीय संगठन करता है? तो यहाँ पर आपका जवाब सही होगा कि सर यहाँ पर अगर हम बात करें तो वित्त मंत्रालय करता है, मतलब बी वालों के जवाब यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सभी लोग ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कांडला गुजरात, नौशेवा महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु। पहला प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर, ये सभी बंदरगाहों के नाम पर हम चाहेंगे सभी का उत्तर आप लोग दीजिएगा। मेरी आवाज़ साफ हो रही कि नहीं वीडियो में कमेंट करिए जरूर बताइएगा। जितने भी लोग इस सेशन में बने हैं, कांडला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, कांडला। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है, यहाँ से भारतीय संविधान के सवाल शुरू हो रहे हैं। आप सभी को बताइएगा कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियरी रिव्यू है, वो कहाँ से लिया गया? ये बहुत बार आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता है और मैं आज आपसे भी पूछूंगा कि आप भी कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके इसका जवाब जरूर दें सभी लोग। जी हाँ, ये भारत में अगर हम बात करें तो यूएसए से लिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया, बहुत ही यूनिक प्रश्न है और ये बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर भारत और यूएसए की अगर हम बात करें, भारत में और यूएसए में दो ही जगह पूरी दुनिया में जुडिशरी रिव्यू की व्यवस्था। अगला, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो ये जो मूल कर्तव्य है ये संविधान के मूल हिस्सा नहीं थे। अगर भारत की नागरिकों की बात करें, जो मूल कर्तव्य था ये संविधान के मूल हिस्से में नहीं था, मूल ये बाद में संविधान संशोधन करके सोवियत संघ के संविधान से भारत में जोड़ा गया। भाग एक, भाग चार, भाग दो, तो या भाग चार कम होगा। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 51 कम है, उपखंड एक से लेकर 11 तक, पहले 10 था बाद में 11 हो गया। अगला सवाल आपके सामने बहुत ही यूनिक है, कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? सरकारी आयोग द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति द्वारा। प्रश्न नंबर 72 के जवाब सभी साथी देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति। मैंने, अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर भी जवाब दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही। जरा कमेंट करिएगा कि आप लोग कमेंट नहीं आ रहे और कमेंट नहीं देख रहे हैं आप लोग के, ठीक है। बलवंत राय मेहता, ये पूछा जाता है सरकारी आयोग, मेरा सवाल आप सभी से जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताएं कि जो सरकारी आयोग है इसका संबंध किससे है? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। यहां पर है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? संसद और राज्यों की विधानसभा सम्मिलित रूप से, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, संसद। 73 जवाब सभी साथी जरूर दीजिएगा। अगर हम बात करें नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने का काम हमारे देश के संसद के पास है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं फिर से नए प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। ये चारों अनुच्छेद आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार रक्षा की अगर हम बात करें, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही सर। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर जवाब दिया है डी, तो जवाब आपके सही है। निम्नलिखित कौन सा त्रिगमूल लोकतंत्र से संबंधित है? लोकपाल, पंचायती राज पद्धति, क्षेत्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय परिषद। सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं बताएं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर अगर हम बात करें तो पंचायती राज पद्धति होगा, मतलब बी वालों के जवाब यहाँ पर सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ, इसकी स्क्रीनशॉट रखिएगा। अगला है आपके सामने, सूचना का अधिकार जिसे हम RTI कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, ए और बी दोनों, न तो ए न तो बी। सभी लोग जवाब दीजिएगा प्रश्न नंबर 76 का। सूचना का अधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या माना है? यह एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा, सी होगा। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1975 में, 1976 में, 1978 में, 1980 में। सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, 1976 में। कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है? भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, भारत का राष्ट्रपति, राजनीतिक प्रमुख। तो सभी साथी जवाब दीजिएगा जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को पढ़ रहे हैं
जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, भारतीय गणतंत्र के प्रमुख की बात करें तो भारत के जो गणतंत्र के प्रमुख होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होता है। सवाल का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपके जवाब सही है। अगला है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में 5 सदस्य, राज्यसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य, राज्यसभा में 15। बहुत सरल और बहुत ही यूनिक प्रश्न है। मैं चाहूंगा सभी साथ इस प्रश्न का जवाब देंगे। 12 सदस्य माने राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। न्यायिक स्वतंत्रता से, न्यायिक पुनरावलोकन से, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपका जवाब सही है, जनहित याचिका से। अगला है सवाल आपके सामने, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा, राज्य मंत्रिपरिषद, कैबिनेट के मंत्रिपरिषद। तो प्रश्न नंबर 81 के जवाब सभी लोग दीजिएगा कि राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है? राज्य परिषद, यहां पर कह सकते हैं राज्य सभा। अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा आपका? बी। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। यहां पे एक सूची है, मिलान करना है और मैं चाहूंगा कि ये भाग है संविधान के, संघ, आपात उपगण, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आपको पता है भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य 4 क में है। संघ की बात की जाए तो ये 5 में है, आपात उपबंध अगर हम बात की जाए तो ये भाग 18 में है। ठीक है, अगर हम आपातकाल की बात करें, आपातकाल अगर हम बात करें तो ये भाग 18 में है। अनुच्छेद की बात करें, इसकी अगर अनुच्छेद की, अगर सभी का अनुच्छेद की बात करें तो इसकी अगर अनुच्छेद की अगर हम बात करें यहाँ पे तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक भाग 18 में काफी यूनिक है। और आप चाहें तो इसका मिलान बताएं कि क्या होगा यहाँ पर, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने आपके बोर्ड पर है। धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 83 के जवाब सभी साथी दीजिएगा तो यहाँ पर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अगला आपके सामने सवाल, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है राष्ट्रपति के कार्यालय में, लोकसभा में, राज्यसभा में, वित्त मंत्रालय में। काफी यूनिक सवाल है, इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, लोकसभा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा की स्पीकर द्वारा। देखिए, इस बैठक को आहूत करने का काम राष्ट्रपति करता है लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये यूनिक और इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर। सभी जवाब देंगे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, बताइए फटाफट कमेंट करके जितने भी लोग देख रहे हैं। प्रिया जी बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पंचायती प्रणाली में पंचायत जो समिति होती है, ध्यान दीजिएगा, पंचायत समिति गठित होती है। वायु की गति, इसके बाद जो प्रश्न शुरू होगा वो साइंस के सवाल होंगे, सामान्य जनरल साइंस। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा खंड स्तर पर। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, जवाब सभी लोग दीजिएगा, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, एनिमोमीटर, विडवेन के द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का होता है एनिमोमीटर, सी वालों का जवाब यहाँ पर सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल, नए प्रश्न की तरफ। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए गलत, विशेष साक्षरता सिद्धांत के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए गलत, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। तो डी वालों का जवाब यहाँ पर सही है, अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब सही। अगला है, एक कृत्रिम विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? फोटोवोल्टाइक, डायनमो, थर्मोपाइल, सौर सेल, बताइए सभी लोग। कृत्रिम विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल है, यहां पर भी इस प्रश्न का उत्तर डी ही है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा, यहां पर छोड़ गया था, किस स्तर पर डेसिबल में अधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 90 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। 30 डेसिबल, 40, 50, 80। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, 80 डेसिबल। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? द्रव्यमान बढ़ता है,
आयतन घटता है, द्रव्यमान घटता है, आयतन बढ़ता है, बताइए। बी आयतन घटता है। अगला है आपके सामने सवाल, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, बताइएगा सभी लोग, यह सुंदर होता है, गलत, इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। जी हाँ, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगला आपके सामने, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सभी से जवाब देंगे जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो में बने हैं। प्रश्वेत, उत्फुल्लन, विद्युत प्रतिकरण, उत्क्रम परासरण। डी। अगला, उंगलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु क्या प्रयुक्त होता है। चारकोल, स्वर्ण धूल, मैग्नीश डाइऑक्साइड, फ्लोरोसेंट पाउडर। 94 के जवाब सभी लोग दीजिएगा तो आपका जवाब होगा फ्लोरोसेंट पाउडर, अर्थात सवाल का उत्तर डी है। किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। कैलोमेल, एलम, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। 95 के जवाब सभी साथी देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा जिंक ऑक्साइड, मतलब सी वालों का जवाब यहाँ पर सही है। अगला है, कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो सभी लोग जवाब दीजिए कौन सा नहीं है। ऊन है, रेशम है, चमड़ा है कि नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। आधुनिक युद्ध में कौन सही सम्मिलित नहीं है। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। पायरीन अग्निशामक है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्रेयर प्रशीतक, फ्लोरीन। फ्लोरीन युक्त बहुलक ही आपका गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मतलब जो गलत है यहाँ पर वही आपका सही है। अगला है, कौन सा गैस मिश्रण वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा गैस मिश्रण वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मीथेन, अमोनिया, फुलेरीन, एसिटिल। सभी लोग जवाब देंगे जितने भी साथी हमारे साथ वीडियो में बने हैं देख रहे हैं, तो एसिटिल ही होगा। ब्रह्मोस क्या है, एक पनडुब्बी है, एक वायुयान है, एक कंप्यूटर वायरस है, एक प्रक्षेपास्त्र है। उम्मीद करता हूं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एक प्रक्षेपास्त्र है। एजोला क्या है बताइए, एक जली बैक्टीरिया है, जली एल्गी है, जली फर्न है, जली वनस्पति है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एक जली फर्न है, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी। अगला है, किस विटामिन को अर्गो कैल्सिफेराल कहते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन D2। यहां पर इस प्रश्न का होगा 101। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके विटामिन D2 को। सावित्रिक दाता कौन होता है, ए बी ए बी ए, ब्लड ग्रुप के बारे में यहां पे सवाल, तो ओ। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है। माइकोप्लाज्मा, कवक, चमगादड़, मच्छर। माइकोप्लाज्मा इस प्रश्न का सही जवाब है। हमारा हृदय प्रति मिनट कितना लीटर रुधिर पंप करता है। 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर। 104 का जवाब दीजिएगा 5 से 6 लीटर, मतलब डी वालों के जवाब यहाँ पे सही है। अगला है, DNA अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है। फरीदाबाद, लखनऊ, सिकंदराबाद, हैदराबाद। हैदराबाद। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहां पर है। सभी साथी जवाब देंगे रामपुर, लखनऊ, धामपुर, फैजाबाद। तो लखनऊ में। थोड़ा सा तेज पढ़ रहे हैं ना, फटाफट अंदाज में। अगला है, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। सभी लोग जवाब दीजिएगा 107 का, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है। ऋषि सुनक को, ऋषि व्यास को, ऋषि वशिष्ठ को, ऋषि पतंजलि को। यहां पर होगा ऋषि व्यास को। अगला है, अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम है। अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां पे पूछा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा सी। उत्तर प्रदेश में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। महराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर। जी हाँ, प्रश्न नंबर 110 की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महराजगंज। ए वालों के यहाँ पे जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने आ रहा है।
आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में, और टेलीग्राम पर आप लोग जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश्वर जरूर जुड़ेंगे। सही सुमिलित नहीं, 111 जवाब देना कौन सही सुमिलित नहीं है। मेरठ को खेल का सामान, अलीगढ़ ताला नगरी, महोबा पा नगरी, सीतापुर गलत है काली नगरी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सी। सही सुमिलित नहीं है, सभी लोग जवाब देंगे कौन सा, बिठूर गंगा किनारे, कौसाम्बी यमुना, प्रतापगढ़ गुमती गलत, जौनपुर गुमती, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सी। ये सीरीज आपको लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में मिल जाएगी पूरा कंप्लीटली, यूपी स्पेशल आपको मिल जाएगा। अगला है, कौन सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। 113 का जवाब सभी साथी दे सकते हैं बहुत आसानी से, और रामदेव यादव, टीएन सिंह, गोविंद बल्लभपंत, ये तो पहले थे तो सही है, उसके अलावा कौन कौन सा होगा जवाब दीजिएगा। टीएन सिंह है, रामदेव यादव, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बी। महर्षि दधीची आश्रम कहां पर है, जौनपुर, पीलीभीत, गाजियाबाद, सीतापुर। सीतापुर इसका सही जवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित खेल में कौन सा खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो बताइए कौन सी इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। सुरेश रैना है, ज्ञानेंद्र पांडे है, आरपी सिंह है, विराट कोहली का संबंध यूपी से नहीं है। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है। देखिए नोट संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप सभी जानकारी ले सकते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ा और देख रहे हैं। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है, सभी साथी जवाब जरूर देंगे। पूर्वांचल, पश्चिम उत्तर प्रदेश, रोहेलखंड, पुलदेवखंड, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा डी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है तो आपके जवाब सही है। भारत में वर्तमान जनसांख्यिकी संक्रमण सूचक है, तो सबसे लोग 117 का जवाब दीजिएगा। उच्च जनसंख्या वृद्धि संभाव्य परंतु निम्न वास्तविक वृद्धि का, आंशिक औद्योगिकृत व्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था का, सभी लोग जवाब दीजिएगा 117 का। आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का, उच्च जनसंख्या संभव परंतु उच्च वास्तविक वृद्धि का, प्रतिरूपी, देखिए इसका जवाब आप लोग सभी लोग दीजिएगा कि जनसांख्यिकी संक्रमण किसका सूचक है। देखिए तो ए होगा या तो इसका बी है, आंशिक औद्योगिकृत, ये भी और ये भी दोनों सही है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, उच्च जनसंख्या वृद्धि संभव है परंतु निम्न वास्तविक वृद्धि दर है, ये भी सही हो सकता है ए, और बी भी हो सकता है इसका, लेकिन इसका सबसे ज्यादा सही जो होगा ए होगा। भारत में वरिष्ठ अनिर्धनता अनुपात क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 14.2% है वरिष्ठ आयु निर्धनता अनुपात सी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं आपके साथ, इसी के साथ आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है, उसके बाद कल की सीरीज फिर हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर है, भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर 2011 संबंधित है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। यूरोप महाद्वीप की प्रमुख समस्या कौन सी है, देखिए टेलीग्राम पर आप सभी साथी दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग भी दुर्गेश से जुड़ जाएंगे, जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित में और राष्ट्रित में है, और ऑनलाइन क्लास और नोट्स में देकर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ई लर्निंग भी दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, सभी नोट्स आपको घर बैठे मिल जाएगा। ये सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चलती है मेरे द्वारा, सभी निःशुल्क क्लासेज हैं। यहाँ पर होगा निम्न जन्म दर, इस प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ये बताया है तो आपके जवाब सही है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर करिएगा, और अगर आपका कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लोगों तक पहुँचाते रहिए, क्योंकि अब की बार हर हाल में एक सीट हमारा, ठीक है। अश्विनी का थैंक यू, जो लोग वीडियो को देख रहे थे पैसे नहीं लगेंगे लोगों तक पहुँचाने का, शेयर करने का, लाइक और शेयर करते रहिएगा, पहुँचाते रहिएगा, ताकि हम लोग आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप सभी का थैंक यू, हाँ सभी का थैंक यू, बाय बाय। हाँ शेयर कर दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है, सभी लोग जितने लोग चाहे इसको फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सभी का, जी संकेत कश्यप, प्रिया जी, सभी का थैंक यू।